खोल <coughs> तो अच्छी बात और मेहमान और की, की तीन खूबियाँ बयान की गई हैं और उन तीन खूबियों का जिक्र है मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, okay. Students, अपने, अपने जो है वो म्यूट कर लें

ये अब कुछ निशानियाँ बताई जाने लगी हैं कि तीन निशानियाँ कौन कौन सी हैं अच्छे मोमिन की फल या कुल खीरा बस उसको चाहिए यहाँ पे फा आ गया है बस उसको चाहिए कि वो भली बात करे अवली यसमुत या खामोश रहे वमन काना कहना योमिन और जो अल्लाह पर ईमान रखता है वल योमिल आखिरी और आखरत के दिन पर ईमान रखता है फल युक्रिम बस वो एहतराम करे जा हूँ अपने पड़ोसी की आपको पता है कि हम हमसाय के लिए पुरानी में जार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसलिए जिस तरह से उसमें आता है हक के जार तो आपने इसकी मदद से याद रखना है कि पड़ोसी का जो जिक्र हुआ है वो जार के लफ्ज से हुआ है तो हूँ पड़ोसी अपने वमन काना योमिन बिल्ला जो कि अल्लाह पर ईमान रखता है वाल आखिरी और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है फल उसको चाहिए कि वह एहतराम करे या इज्जत करे अपने मेहमान की यानी जो उसके घर ठहरता है दो दिन के लिए तीन दिन के लिए बुखारी। इसको बुखारी ने रवायत किया व मुस्लिम और इसको मुस्लिम ने रवायत किया है जी बच्चों, अब हम इसकी तशरी की तरफ आते हैं देखे बेटा इस हदीस के जब आप ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इसको बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है तो ये हदीस जो है मुत्तफिक हदीस कहलाएगी क्या कहलाएगी मुत्तफिक हदीस कहलाएगी क्योंकि ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है जो हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद होती है इससे मुराद होता है वो हदीस सही हदीस होती है यानी मोस्ट ऑथेंटिक हदीस होती है उसमें किसी किस्म के डाउट की गुंजाइश जो है शक की गुंजाइश नहीं होती तो अब हम इसका तर्जमा पढ़ लेते हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है अब्दुल रहमान बिन सखर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आप तफसीर करेंगे तो आप इनका बारा का नाम भी लिख सकते हैं जो शख्स अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान रखता है देखिए यहाँ पे बेटा मोमिन की निशानियां बताई जाने लगी हैं पहली निशानी क्या है कि वो बस उसको चाहिए कि वो भली बात करे या फिर खामोश रहे और जो कोई अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान रखता है उससे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी की इज्जत करे ये मोमिन की दूसरी क्वालिटी हो जाएगी और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने में हिमाचत करे ये तीसरी क्वालिटी हो जाएगी तीसरी खूबी हो जाएगी क्योंकि मैंने बताया ये मोमिन की तीन खूबियां बयान की जा रही हैं और इस हदीस को रवायत किया है इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है अब चलते हैं जिसकी तशरीह की तरफ बाद में मैं इसका बा मुहावरा तर्जमा बताऊंगी इसमें जो सबसे पहला जो बेटा जो पॉइंट आता है हमारे पास वो है जी अच्छी बात कहने के हवाले से यह हदीस मुबारक़ा जो है इसमें अच्छी बात कहने को या अच्छी बात कहने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकियत यानी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है अच्छी बात कहने की वैसे भी बहुत ज्यादा अहमियत है देखिये किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं एक मस्बत पहलू होता है और एक मनफी पहलू होता है जैसे तस्वीर के दो रुख होते हैं एक जो सामने वाला हिस्सा है जो पेंटिंग जो आपको बहुत प्यारी लग रही होती है उसके बैक साइड बिल्कुल प्लेन होती है डार्क साइड होती है जहाँ कुछ भी नहीं होता तो इसी तरह से जो तस्वीर का सामने वाला हिस्सा आपको खूबसूरत नजर आ रहा होता है वो मस्बत पहलू होता है जो तस्वीर का दूसरा रुख जो यानी जो डार्क साइड होती है वो मनफी पहलू होता है किसी भी चीज का तो ऐसा नहीं है कि जबान से हमेशा कोई ना कोई बुरी ही बात निकलेगी ज़बान की बहुत अहमियत है नबी पाक से किसी ने पूछा, किसी ने पूछा के, के आप बताइए अंदेशा वाली चीज क्या है तो अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान पकड़ के इस तरह से ना अपनी जुबान को पकड़ के कहा कि ये और आप सल अलाम की एक और हदीस है कि मेरी उम्म के जो लोग हैं उनको कसरत से दो चीजें जो हैं वो जहनुम में लेके जाएंगी अल्लाह अकबर अल्लाहफार अल्लाह हमें माफ करे और उसमें से जो एक चीज है वो जबान है दूसरी शर्मगा की हिफाजत यानी आप देखो कि ये दो चीजें जो हैं अल्लाह के नबी ने इन पे इनकी इनके बारे में बताया है कि जिसने इसकी हिफाजत कर ली उन्हें मैं जन्नत की यानी आपने अपनी जबान पकड़ के इर्शा फरमाया कि जिसने इसकी हिफाजत कर ली मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ तो जबान के सबसे पहले मस्बत पहलुओं पर बात कर लेते हैं जुबान की बहुत अहमियत है के पहलुओं में आता है कि का इस्तेमाल अच्छे तरीकों से कैसे किया जा सकता है तो बेटा जी जबान का अच्छा इस्तेमाल सबसे पहले तो मैं कहूँगी मजीद की तलावत दूसरा यानी आप मुझे बताएं कि वो जैसे कहते हैं ना कि जो इंसान चाहता है कि वो वली अल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त बन जाए वो चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में अल्लाह का जिक्र करें क्योंकि कुरान में में अल्लाह फरमाते हैं कि दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह के जिक्र में है तो हमारा क्या रोल होना चाहिए कि हम चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ये कुछ कलिमात हम पढ़ते रहें जिससे हम जब कहते हैं ना कि अल्लाह जब जब हम हम अपने खुदा को याद करते हैं तो अल्लाह ताला हमें याद करता है हमें याद रखता है कि मेरा फला बंदा मुझे हर वक्त याद करता रहता है और अल्लाह ताला को बेटा हया आती है अपने बंदे का खाली हाथ लुटाते हुए तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि दुआ से ना मिल सकती हो और जो इंसान दिन रात मैंने कल एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो देखी इस हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अल्लाह को राजी रखना ऑफ अल्लाह की खुशनुदी और ये सहाबा का रोल था कि वो हर वक्त अल्लाह की खुशनुदी के लिए लगे रहते थे अल्लाह की खुशनुदी की कोशिश में लगे रहते थे दुनिया अगर आपसे नाराज हो जाती है या खफा हो जाती है ये आपने सबसे पहले अल्लाह को देखना है कि क्या लोगों की अगर मैं अगर लोगों के सलूक की बात करूँ तो लोगों के साथ बुरा सलूक करने के लिए नहीं कह रही हूं अच्छा सलूक करें लेकिन उस जिस तरह से आप उनके साथ बिहेव कर रहे हैं जो भी आपके उनके साथ मामला तो उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि उसमें अल्लाह तला की नाराजगी शामिल ना क्योंकि जहाँ पे अल्लाह राजी है आपकी दुनिया में हर मामला सीधे हैं जहाँ पे अल्लाह नाराज है आपकी तरफ तबाही है यानी जहा पे अल्लाह जिसका रब नाराज़ है उसके लिए दुनिया और आखरत में जो है वो भलाई की उम्मीद नहीं हम कर सकते तो अल्लाह को राज़ी किस तरह से किया जा सकता है जिक्र अला से लोगों की मदद करके कुरान पाक यानी अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे कलाम करें तो आप कुरानी मजीद की तिलावत किया करें तो बाजूक क्या होता है कि जब भी जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि का इरशाद है कि मैं जब भी परेशान होता था तो मैं नमाज के लिए वजू करता हूँ और मैं जाके मस्जिद में नमाज अदा करता हूँ या कुरानी मजीद की तलावत करता हूँ तो कुरानी मजीद की तलावत जब इंसान चाहता है कि उसका रब उससे कलाम करे उसे उस चाहिए कि वो कुरानी मजीद की तलावत करे तो ये पहला तो ये हो गया जिक्र कुरानी मजिद की तलावत फिर है इलाही उसके बाद तीसरा और अहम काम वो है जी नेकी की तबलीग करना ये जरूरी नहीं है कि कोई आलिम ही होगा तो वो नेकी की तालीम देगा या कोई जिसने अगर हम फिल किया होगा इस्लामियत में तो वही नेकी की तालीम या देगा इस तरह से या ने, नेकी की तबलीग करेगा ये कोई भी कर सकता है क्योंकि हम सब मुसलमान हैं ठीक है हम सब मुसलमान हैं और हमारा ये फर्ज है कि अगर कहीं हम बुराई होती देख रहे हैं तो हम उसको रोकें हम नेकी की तबलीग करें नेकी का बढ़ावा दे लोगों को नेकी का हुक्म दे जैसे इस्लाम में आता है ना कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको तब तक ये कंप्लीट नहीं हो सकता आपका जब तक के अच्छा बेटा अगर ड्यूरिंग लेक्चर कहीं पे आवाज़ डिस्कनेक्ट हो जाए तो मुझे आपने मैसेजेस में बता देना ये चैट की जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं सो आई कैन नो के जो है प्रॉब्लम है अच्छा जी उसके बाद आ जाता है कि जैसे मैंने बताया है कि नेकी की तब्लीग करना वो कोई भी कर सकता है ये हर इंसान को अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए कि वो बुराई की रोकथाम में लगा रहे और नेकी का हुक्म दे जहां पे अगर आपकी वजह से कोई नेकी करना शुरू कर देता है तो आप बताएं आपके यहाँ यानी जो अल्लाह के यहाँ आपका दर्जा क्या होगा तो मैं तो अक्सर ये बात कहती हूँ कि अगर मेरी वजह से जो है कोई आप बच्चे या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी बात कोई नेक अमल करते हैं तो डेफिनेटली उसका अजर मुझे मिलेगा तो ये आपने हमेशा अपने जहन में रखना चौथी जो है बात है जुबान का मिसबत इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है जो इस्लाम पर इतराजात करते हैं मुस्तरकन उनको जवाब दिया जा सकता है वो आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगा नॉलेज कैसे होता है जबकि आप कुरानी मजीद को उसके एक तर्जे और तफसीर के साथ पढ़ते हो अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप जाहिर सी बात है क्या नाम है बहुत सारे और भी रिसोर्सेज है आप सर्च कर सकते हो किसी भी टॉपिक के हवाले से कि मैं ये इसको किस तरह से किसी को डिफाइन करूँ ठीक है ये तो हो गई कुछ इम्पोर्टेंट जो जबान से हम हेल्प ले सकते हैं जबान की मदद से हम लोगों की मदद कर सकते हैं बाजूक क्या होता है तो कोई परेशान हाल शख्स हमारे सामने बैठा होता है और आप जब उसके लिए उसके सामने तसली के दो लफ्ज बोल देते हैं ना तो ये भी उसके लिए बड़ी कह ले कि उसकी उनको ये अल्फाज बड़ी मदद देते हैं उस इंसान को तो आप ये भी कर सकते हैं अपनी जबान से अब चलते हैं इसके मस्बत मस्बत पहलुओं के बाद अब हम इसके चलते हैं मनफी पहलुओं की तरफ तो जबान के जो मनफी पहलु हैं उनमें आ जाती है जी झूठ जूठ बदी भुगतान लगाना किसी की दिल शिकनी करना कहते हैं बाजूकात इंसान को पता ही नहीं चलता कि इंसान ऐसे अल्फाज बोल देता है किसी को और उसका दिल टूट जाता है उसकी दिल शिक हो जाती है और हमें पता ही नहीं होता कि हमने उसको कितना दिल दुखाया सिर्फ अपनी जुबान से अदा किए हुए कुछ अल्फाज की मदद से तो्बत बाजू क्या होता है गीबत, हम जब गिब्बत कर रहे होते हैं गिब्बत से क्या मुराद है कि गीबत से मुराद है किसी की में उसकी बुराई करना क्योंकि जिसकी आप बुराई कर रहे होते हो वो अपना डिफेंड करने के काबिल नहीं होता उस वक्त वो अपना डिफेंड कैसे कर सकता है कि मैंने बात की है या नहीं की तो ये तो आप उस पर इल्जाम लगा रहे हो ना आप उसकी बुराई कर रहे हो तो अल्लाह के नबी से किसी शख्स ने इस तरह से एक मामला जो है वो बयान किया वो मैं मुख्तर बता देती हूँ वो एक शख्स ने कहा कि फला शख्स जो है वो ऐसे खाना खाता है फला शख्स जो है ऐसे घोड़े पे सवार होता है तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि तुम हिबत कर रहे हो तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने तो कोई बुराई नहीं करा तो आपने फरमाया कि तुम उसकी गैर मौजूदगी में बात कर रहे हो और वो अपना इस वक्त दिफा नहीं कर सकता कि वो ऐसे खाना खाता है वो ऐसे घोड़े पे सवार होता है वो ऐसे बात करता है तो ये कि किसी की जो है वो में बात नहीं करनी चाहिए जहाँ पे कुछ क्योंकि शैतान हमेशा इंसान को उकसाता है इस तरह की बुराइयां करने जहाँ पे ऐसी बात हो रही होती है वहां से आप या तो खामोशी तैयार कर ले उसको मना कर दें कि चलो कोई और बात कर लेते हैं यानी अपनी जो गोसिप्स में बहुत सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी को हैं। को हैं। कोई शॉपिंग बंदा डिस्कस कर लेता है कोई अच्छी बात डिस्कस कर लेता है कोई हदीस से मुबारक डिस्कस कर लेता है जरूरी है कि किसी के बारे में बात करें झूठ कलामी, जबान से कहते हैं कि जो इंसान झूठ बोलता है झूठ कह ले कि हर बुराई की जड़ है झूठ हर बुराई की जड़ है जब इंसान एक झूठ बोलता है उसको छुपाने के लिए सो झूठ और, और, और बोलता है सो झूठ और बोलता है और कहते हैं कि जब इंसान की जुबान से झूठ निकलता है तो फरिश्ते जो हैं उससे कितने मील दूर चले जाते हैं तो रहमत के फरिश्ते उससे बहुत दूर चले जाते हैं मुझे बताए है, रहमत के फरिश्ते अगर आपसे दूर हो जाएंगे तो आप पे क्या अल्लाह की रहमत आएगी हो होगी ठीक है इस तरह से बहुतान बहतान लगाना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देना और जैसे कहते हैं ना कि वो जिस तरह से इस्लाम में है जैसे मैंने आपको बेसिकली इस कि इसका कुरानी मजीद में इरशाद होता है कजफ लगने का कि जब वो मैंने आपको वाक्य सुनाया था हजरत आयशा सदी का रजी अल्लाह पे झूठा बुख्तान लगा था उस वक्त अल्लाह तला ने जैसे कहते हैं ना किन मजीद में कोई आयात ऐसी नहीं है कि जो इतनी अल्लाह ने इतने गुस्से में इशाद फरमाई हो लेकिन ये इस मौके पर जो भी भुगतान लगाएगा उसकी ये कंडीशन उसको ये सजा मिलेगी ठीक है इसके बाद आ जाता है ये नहीं ये सारे हमने जुबान के बारे में पढ़ ली कि आपने इसका अच्छा इस्तेमाल कहाँ करना है और बुरा जो इसका इस्तेमाल है उसको आपने रोकना है झूठ के बारे में वो जो एक हम वाक सुनते रहे हैं कि अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आया उसने कहा कि मैं इतनी मेरे में बुराइयां बुराईया मेरे में ये भी बुराई है ये भी बुराई है मैं क्या करूं मुझे बताया कि मैं कोई एक ही बस बुराई छोड़ सकता हूँ तो आपने फरमाया कि सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो उसने कहा कि ये तो कोई काम ही नहीं इतना आसान काम मुझे बता दिया हालांकि मैं इतने बड़े बड़े में डाकू हूँ मैं चोरी करता हूँ मैं इतने बुरे बुरे काम करता हूँ तो सिर्फ मुझे एक छोटा सा काम कहा चलो बाकी तो कर लूंगा ना जब वो घर गया तो जब जैसे कोई गलती करने लगा अल्लाह के नबी ने मुझसे पूछा तो झूठ बोलूंगा, तो कि बोलूंगा, बोलूंगा बस इसी ख्याल की वजह से उसने अपनी गुनाह का इरादा तर्क कर दिया तो बुराई की जड़ जो है वो झूठ बोलना है ये हो गया जबान की हिफाजत अब दूसरी मोमिन की निशानी क्या है कि वो क्या करे की अपने हमसाये की इज्जत करे ठीक है हम हमसाये की जैसे हम ना इसको सीरियसली नहीं लेते हालांकि देखा जाए अपना पेज नंबर नेक्स्ट खोल लेते हैं हम जी इसमें हम हमसाये की इज्जत अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया अल्लाह ताला ने निसा में हुक्म दिया है कि माँ बाप के साथ हुसने सलूक करो और रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ और अजनबी पड़ोसी के साथ और पहलू के साथी यानी हमसाए के साथ यानी माँ बाप के साथ उसने सलूक के साथ रिश्तेदारों के के साथ उसने सलूक की ताकीद की गई और उसके बाद पड़ोसियों के साथ उसने सलूक की ताकीद की है उसके बाद आता है जी रसूल जन्त का जरिया वो शख्स नबी पाक सल्ला हुल का फरमान है वो शख्स जन्त में ना जाएगा जिसके पड़ोसी इसकी बुराइयों से महफूज ना हो यानी शरार शरारते करना उनको तंग करना यानी बाजा क्या होता है हमसाय को किस तरह से तंग किया जा रहा होता है कि एक हमसाया जो है अगर इबादत कर रहा है तो साथ वाले घर में क्या होता है कि ऊंची आवाज में वो म्यूजिक लगा देते हैं तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि कितनी तंगी होती है आपके साथ वाले हमसाये को की अगर वो इबादत कर रहे हैं तो आपने क्योंकि मौसीकी जो है वो ऊंची आवाज में लगा दी हालांकि वैसे तो इससे इजनाम करना चाहिए क्योंकि हराम है इस इस तरह से और भी बहुत सारी जो है मिसालें हैं कि अपने हमसाय के घर के आगे अगर आप कूड़ा फेंक देते हो उसको तंग करने के लिए जान बुझ के तो इन चीज़ों से हमें परहेज करना है इसके बाद रसुल्ला की मोहब्बत आप किस तरह से हासिल कर सकते हो और अल्लाह की मोहब्बत आप किस तरह से हासिल कर सकते हो रिश्वाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये पसंद हो कि वो खुदा और रसूल का महबूब बने इसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसी का हक अदा करे उसके बाद हदीस पाक में आता है कि क्या तुम जानते हो कि पड़ोसी का क्या हक है कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, पड़ोसी वही अदा कर सकता है यानी वही पड़ोसियों का फरिश्ते है तो हैं या की, रहमत है। जी, की जो इज्जत हम देख लेते हैं तीसरी जो मोमिन की निशानी है तीसरी यानी एक अच्छे ममिन की निशानी क्या है वो है नबी वसल्लम खुद बहुत मेहमान नवाज थे और खाना खाने से पहले मेहमान की तलाश में रहते थे इसके साथ एक वाक्य आता है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह से पूछा कि मैं किसी के पास जाऊं और वो मेरी तोजो ना करे तो क्या जब वो मेरे पास आए तो मैं इसके साथ वही सलूक करूं फरमाया नहीं उसकी तोजो करो यानी बदले में वैसा सलूक नहीं करना आपने जैसा कि उसने आपके साथ किया था आपने मेहमान नवाजी का पूरा जो है वो फर्ज अपना निभाना जिसे कहते हैं ना हमारे बड़े भी के अगर कोई दुश्मन भी चल के आपके घर आ जाए तो आपने जो है उसके साथ अच्छे से सलूक करना है उसकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़नी जैसे कि आप सल एक काफिर आया उसने कहा कि मैं जो हूँ भूखा हूँ तो आपने उसे दूध पेश किया इस तरह से वो यानी बकरी का दूध पीते पीते इस तरह से उसने सात गिलास पी लिए दूध के और रात उसने आप सल्ला ने उसे सोने के लिए नरम बिस्तर जो है वो भी मुहैया किया हालांकि काफिर तक सुबह जब उठा तो उसने उठते ही इस्लाम कबूल कर लिया कि सिर्फ रला की मेहमान नवाजी देकर इसके बाद है कि जी मेहमान नवाजी की हद मेहमान नवाजी तीन दिन तक फर्ज है यानी तीन दिन तक जितना आप उसे उसकी मेहमान नवाजी कर सकते हैं करें उसके बाद वो बिल्कुल घर के फर्द की तरह हो जाएगा यानी आप दावत एक रोज और शब तक है मेहमानी दिन तक होती है इसके बाद जो भी होगी होगी वो ठीक हो है यानी आप जो भी उसको खाना वगैरह पेश करो वो सदका होगी मेहमान नवाजी के असराज क्या होते हैं कि एक दफा एक अजनबी काफिर आया ये वही वाकया है कि रसुल्ला के यहाँ मेहमान ठहरा आपने हुक्म दिया कि एक बकरी का आ, एक बकरी दो ही जाए मेहमान सारा दूध पी गया आपने दूसरी बकरी धोने का हुक्म दिया काफिर उससे भी खत्म कर गया इस तरह उसने सात बकरियों का दूध पी लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फराग दिल्ली से इसकी मेहमान नवाजी तो की और वो बहुत मुतासिर हुआ और अगली सुबह उसने इस्लाम लिया यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि आपकी फराग दिल्ली से वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और अगली सुबह ही उसने जब देखा तो वो इस्लाम लिया आई होप की आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा जी स्टूडेंट समझ आ गया आपको आज का लेक्चर